कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSCs डिजिटल इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब डिजिटल इंडिया का कैंपेन शुरू हुआ था तब हमारे पास बहुत सारी भी सर्विसेज आ गई थी। मोदी जी ने हमें आधार कार्ड दे दिया था, हम सर्टिफिकेट अप्लाई करने लगे थे, बैंक अकाउंट की स्कीम है, हम लोगों के जीरो बैलेंस के अकाउंट खोल रहे हैं, अपना लेन देन यहाँ पर कर रहे हैं। ओवरऑल आज जो जितनी भी स्कीम्स हम किसी भी पर्सन को चाहिए वो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं CSC के थ्रू। CSCs इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज गांव तक पहुंचाने के एक्सेस पॉइंट्स हैं, जिससे गांव डिजिटली और फाइनेंशियली इंक्लूसिव बन रहे हैं। लोगों को भी फायदा हो रहा है, लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़ता, लोगों के चार्जेस कम हो गए हैं, लोगों को थर्ड इज टाइम कम लगता है। उन्हें पहले यह था कि फाइल्स चल रही है, प्रोसेसिंग है इस डिपार्टमेंट में या उस डिपार्टमेंट में, अब उन्होंने सिर्फ एक सेंटर पे आना है, अपनी सारी प्रोसेसिंग यहीं से करानी है और रिजल्ट भी यहीं से लेके जाना है। आज लोगों को यहाँ से पेंशन अप्लाई होती है, पेंशन मिलती यहीं से है, और पेंशन के लिए सबसे जरूरी आधार कार्ड यहीं से बनता है, उसकी ओवरऑल सर्विसेज, और अब तो पैन कार्ड भी जरूरी कर दिया गवर्नमेंट ने, पैन कार्ड भी सारी सर्विसेज उसको यहीं से मिल जाती है, उसको कहीं भी किसी भी काम के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स न सिर्फ ग्रामीण भारत के चेंज एजेंट्स हैं, बल्कि ये रोजगार बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। टीम्स बढ़ रही हैं तो रोजगार बढ़ रहा है और पैसे भी बढ़ रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मोदी जी की वजह से, उनके डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम की वजह से। और मैं भी आशा करती हूँ कि जो उनका सपना है कि 2020 तक डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से फैला देना है, और वो देख लीजिए इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द ही ये सब का आउटपुट आपको नजर आएगी हर जगह। डिजिटल इंडिया को अब सरकार का साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है।